ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर हमारा सामना अक्सर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से होता रहता है, लेकिन कभी कभी ये पुलिस कर्मी बेवजह परेशान करते हैं, जिस पर लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। तो अगर आपको कभी ट्रैफिक पुलिस कर्मी बेवजह परेशान करे या पैसे मांगे तो शिकायत जरूर करें। लेकिन शिकायत करने से पहले आइए जानते हैं कि क्या है हमारे अधिकार। गाड़ी चलाते वक्त अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो आप उसी दिन वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। इस स्थिति में आपका चालान नहीं कटेगा, नहीं तो मामला कोर्ट में चला जाएगा। अगर आपके पास गाड़ी के पेपर नहीं है तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी या पर्स की तलाशी नहीं ले सकते। कोई भी पुलिसकर्मी आपके वाहन की चाबी नहीं निकाल सकता। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करे तो आप इसका विरोध कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। कांस्टेबल आपका चालान नहीं काट सकते, लेकिन सिक्योरिटी चेकिंग के नाम पर आरसी की मांग जरूर कर सकते हैं। वहीं चालान काटने के लिए एसआई या एएसआई रैंक के पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। हेड कांस्टेबल भी 100 रुपए तक का चालान काट सकते हैं। चालान करते समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान स्लिप पर साफ साफ घटना का ब्यौरा भरता है। इसके अलावा किस धारा में चालान किया गया है उसका भी जिक्र होता है। अगर आप घटना के ब्यौरे से सहमत नहीं हैं, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। गाड़ी जब्त किए जाने की स्थिति में अधिकारी आपको चालान बुक की स्लिप जारी करेगा, जिस पर आपकी गाड़ी की डिटेल्स के अलावा गाड़ी को जब्त किए जाने का कारण भी लिखा होना चाहिए। जिस कोर्ट में पेश होना है उसका नाम, तारीख और वक्त स्लिप पर लिखा होना जरूरी है। तो भविष्य में कभी कोई पुलिसकर्मी आपको अगर करे बेवजह परेशान तो घबराए नहीं, करें अपने अधिकारों का इस्तेमाल। गुड मॉर्निंग डेस्क, टोटल न्यूज़।